అసలు వాళ్ళతో వెళ్ళకుండా ఉండాల్సింది. ఇలాంటి అమ్మాయిలకి ఇలాగే జరుగుద్ది. అలా జరగద్దు, జరగకూడదు. दोस्तों कल 9 अप्रैल को बहुत ही दो बड़ी मूवी रिलीज हुई है. एक तो है पावर स्टार पवन कल्याण जी के मूवी वकील साहब और दूसरी है तमिल यानी कॉलीवुड इंडस्ट्री के धनुष स्टारर मूवी कर्णन. दोनों मूवी रिलीज कर पूरे दो दिन कंप्लीट हुई हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे ये दोनों मूवी ने दो दिनों में इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड कितने करोड़ की कलेक्शन की है. तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा. तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर पावर स्टार पवन कल्याण जी के मूवी वकील साहब मूवी के बारे में, तो दोस्तों वकील साहब मूवी ने रिलीज के पहले दिन यानी कल जो ओपनिंग ली है अगर आप जानोगे तो दोस्तों आप हैरान रह जाओगे. जी हाँ दोस्तों, वकील साहब जिस मूवी को बेनू श्रीराम जी ने डायरेक्शन दी है वही दोस्तों मूवी को प्रोड्यूस किया था बोनी कपूर और दिल राजू ने मिलके जिस मूवी के अंदर म्यूजिक सुनने को मिलेगे एस थेमन की. इस मूवी के बजट पे बात दोहराई जाए तो दोस्तों वकील साहब इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 65 यानी 65 करोड़ रुपए. वही दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही मूवी के थिएटरिकल डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेस के टोटली जो प्री रिलीज बिजनेस किया था मूवी ने पूरे 117 करोड़ 50 लाख रुपए. वही दोस्तों इस मूवी को इंडिया के अंदर पूरे 1700 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था और ओवरसीज मार्केट यानी इंडिया के बाहर इस मूवी को पूरे 400 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था. यानी वकील साहब मूवी को टोटली वर्ल्ड वाइडली पूरे 2100 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था. बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जैसे कि दोस्तों पहले ही बताया है मूवी ने जो रिलीज के पहले दिन जो कलेक्शन की है इस हालत पे भी अगर आप जानोगे तो दोस्तों हैरान रह जाओगे. जी हाँ दोस्तों, वकील साहब जो कि पावर स्टार पवन कल्याण जी के मूवी रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 35 करोड़ रुपए. जी हाँ दोस्तों, वकील साहब मूवी ने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 35 करोड़ रुपए. बात की जाए दोस्तों मूवी के दूसरे दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज है सैटरडे यानी हाफ हॉलीडे, उसी के चलते दोस्तों वकील साहब मूवी के आज मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्युपेंसी पूरे 70% हाउसफुल देखने को मिले ऑडियंस की तरफ से. वही दोस्तों आफ्टरनून शोज के ऑक्युपेंसी पूरे 80% हाउसफुल देखने को मिले और रिपोर्ट आई है इवनिंग शोज के ऑक्युपेंसी पूरे 87% हाउसफुल रहेगा. यानी वकील साहब मूवी के आज पूरे दिन के जो ऑक्युपेंसी रहेगा एवरेज तौर पे वो है 65%. और अभी के रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार वकील साहब मूवी रिलीज के दूसरे दिन पे यानी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करने लगे है पूरे 25 यानी 25 करोड़ रुपए. इसके साथ दोस्तों वकील साहब मूवी के दो दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन हो चुकी है पूरे 60 यानी 60 करोड़ रुपए. वही दोस्तों मूवी के दो दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुके हैं पूरे 72 यानी 72 करोड़ रुपए. बात की जाए ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की, तो दोस्तों इन दो दिनों में वकील साहब मूवी ने ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन की है लगभग 3 करोड़ रुपए. तो दोस्तों जहाँ पे मूवी के दो का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होने लगे हैं पूरे 72 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी के दो दिनों का टोटल ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन आने लगे हैं लगभग 3 करोड़ रुपए. यानी वकील साहब मूवी के दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होने लगे हैं पूरे 75 करोड़ रुपए. जी हाँ दोस्तों, यही है वकील साहब मूवी के दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो कि होने लगे हैं लगभग 75 करोड़ रुपए. अब दोस्तों अगर बात करें कर्णन मूवी के बारे में, तो दोस्तों कर्णन जो कि तमिल यानी कॉलीवुड इंडस्ट्री के मूवी है जिस मूवी के अंदर लीड स्टार कास्ट पे हमें नजर आए हैं धनुष को, जिस मूवी को डायरेक्शन दे है मारी सलवराज जी ने,
वही दोस्तों मूवी को प्रोड्यूस किया है कल्ली पुल्ली एस धन्नू, और जिस मूवी के अंदर म्यूजिक हमें सुनने को मिले है संतोष नारायणम की। कर्नन जिस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 35 यानी 35 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही मूवी के नॉन थिएटरिकल बिजनेस डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेस के टोटली 30 यानी 30 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों कर्नन मूवी ने रिलीज के पहले दिन यानी कल टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 12 करोड़ रुपए। बात की जाए मूवी के दूसरे दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों कर्नन मूवी के आज सुबह वाले शोज के ऑक्युपेंसी 60% से ऑडियंस की तरफ से ऑक्युपेंसी के साथ स्टार्ट हुई है। वही दोस्तों आफ्टरनून शोज के ऑक्युपेंसी पूरे लगभग 50% हाउसफुल रहेगा रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार। यानी दोस्तों कर्नन मूवी के आज पूरे दिन के जो ऑक्युपेंसी रहेगा एवरेज तौर पे वो है लगभग 55%। और अभी के जानकारी के अनुसार कर्नन मूवी रिलीज के दूसरे दिन पे यानी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 8 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों कर्नन मूवी के दो दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन होने लगे है पूरे 20 करोड़ रुपए। वही दोस्तों मूवी के दो दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होने लगे है पूरे 24 करोड़ रुपए। बात की जाए ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी को इंडिया के बाहर बहुत ही कम स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था, जहां से दो दिनों में टोटल जो ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से कलेक्शन आने लगे हैं लगभग 2 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां पे कर्नन मूवी के दो दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होने लगे है लगभग 24 करोड़ रुपए, दोस्तों मूवी के दो दिनों का टोटल ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन आने लगे हैं लगभग 2 करोड़ रुपए। यानी धनुष स्टारर मूवी कर्नन ने दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होने लगे हैं लगभग 26 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है कर्नन मूवी के दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, जो कि होने लगे हैं लगभग 26 करोड़ यानी 26 करोड़ रुपए। तो दोस्तों दोनों मूवी ने जबरदस्त ओपनिंग ली है एंड श्योर दोनों ही मूवी ब्लॉकबस्टर रहेगी। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले अपडेट पे, टेक केयर, बाय।